हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोहन म्यूजिक मिनी चैनल में। और आज जो हमारे साथ यहाँ पे कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड का नाम है रोलैंड BK3। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि मोहन म्यूजिक मिनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे से आगे शेयर कीजिएगा। तो आइए हम अपना डेमो शुरू करते हैं। रोलैंड की BK सीरीज की अगर हम बात करें तो BK सीरीज में तीन कीबोर्ड आते हैं, रोलैंड BK3, रोलैंड BK5, रोलैंड BK9। लेकिन BK3 जो है इस सीरीज का सबसे सस्ता कीबोर्ड है। BK3 की अगर हम बात करें तो BK3 मात्र 26,000 रुपए में हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। यह वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि यह कीबोर्ड आपको लेना चाहिए और आपको यह कीबोर्ड अच्छा लगता है, आपको यह कीबोर्ड पसंद आता है, तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे टोन पसंद आते हैं तो आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके वो टोन भी मंगवा सकते हैं। बीस से 30,000 की रेंज के अंदर यह कीबोर्ड सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसके फंक्शन सेम टू सेम बड़े कीबोर्ड्स जैसे ही हैं। जैसे कि इसके अंदर मोनोफोनी, पॉलीफोनी है, लिगातो है, मल्टी इफेक्ट्स हैं, और इसकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। कैटेगरीज के हमें कीज दिए गए हैं, टोन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, पेन ड्राइव से हम टोन्स ले सकते हैं, पेन ड्राइव से हम टोन शेयर कर सकते हैं, पेन ड्राइव से हम रिदम्स भी ले सकते हैं, रिदम क्रिएट कर सकते हैं, मिडी फाइल्स ले सकते हैं। रिदम हम प्ले कर सकते हैं, रिदम हम क्रिएट कर सकते हैं, टोन्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। और तो और इस कीबोर्ड के अंदर हम MP3 ट्रैक प्ले कर सकते हैं, चाहे तो हम अपने MP3 ट्रैक को करोके ट्रैक में बदल सकते हैं, उसके साथ हम अपने इंस्ट्रूमेंटल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं पाऊं फरमेशी रंग तेरे सोनिए, उंज बहुत गिफ्ट शकीन कोई ना तेरे नालो। रोलैंड BK3 के अगर हम टोन्स की बात करें, आइए इसके टोन्स भी सुन लेते हैं। Yeah.
इसके अंदर हम बहुत सारे रिदम्स प्ले कर सकते हैं, पेन ड्राइव से रिदम ले सकते हैं। दोस्तों आपने हमारा पूरा डेमो देखा और इस कीबोर्ड के आपने बहुत सारे टोन सुने, बहुत सारे फंक्शंस देखे। आपको यह कीबोर्ड कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे यह कीबोर्ड पर्सनली बहुत अच्छा लगा, खासकर इसके प्राइस की वजह से। इस प्राइस रेंज में हमें ऐसा कीबोर्ड मिल रहा है, टोन्स का ऐसा कलर मिल रहा है, इतने सारे फंक्शंस मिल रहे हैं, तो इस कीबोर्ड में ऑल ओवर इसके प्राइस के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि इस रेंज में यह बेस्ट कीबोर्ड है। इसके जो मल्टी लेयर्स में हम दो ही लेयर ले सकते हैं, या तो हम उसको एज ए स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं या हम उसको एज ए ड्यूअल यूज़ कर सकते हैं, तो इस कीबोर्ड में मुझे ये कमी लगी। लेकिन ऑल ओवर यह कीबोर्ड बहुत अच्छा है, और अगर आपको ये कीबोर्ड वाकई पसंद आया और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे से आगे शेयर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और अगले वीडियो तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।